आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। स्पॉन्सर्ड बाय शिक्षा सलाहकार। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा स्वतंत्रता सेनानियों के जन्म भूमि है सिवान। नमस्कार, मैं हूँ दृष्टि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज पर आज का टीडी नॉलेज। आज के टीडी नॉलेज की शुरुआत करते हैं और आज इस कड़ी में जानते हैं बिहार राज्य अंतर्गत स्थित जिला सिवान के बारे में। सिवान भारत गणराज्य के बिहार प्रांत में सारण प्रमंडल के अंतर्गत एक शहर है। यह सिवान जिले का मुख्यालय है जो बिहार के पश्चिमोत्तर छोर पर उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती जिला है। सिवान दहा नदी के किनारे बसा है। इसका उत्तर तथा पूर्व में क्रमशः बिहार का गोपालगंज तथा सारण जिला तथा दक्षिण एवं पश्चिम में क्रमशः उत्तर प्रदेश का देवरिया और बलिया जिला है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कई अग्रणी स्वतंत्रता सेनानियों की जन्मभूमि एवं कर्म स्थली है सिवान। पांचवी सदी ईसा पूर्व में सिवान की भूमि कोसल महाजनपद का अंग था। कोसल राज्य के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में सर्पिका साई नदी, पूर्व में गंडक नदी तथा पश्चिम में पंचाल प्रदेश था। इसके अंतर्गत आज के उत्तर प्रदेश का फैजाबाद, गोंडा बस्ती, गोरखपुर तथा देवरिया जिला के अतिरिक्त बिहार का सारण क्षेत्र, सारण, सिवान एवं गोपालगंज आता है। आठवीं सदी में यह बनारस के शासकों का आधिपत्य था। 25वीं सदी में सिकंदर लोदी ने यहाँ अपना आधिपत्य स्थापित किया। बाबर ने अपने बिहार अभियान के समय सिवान के नजदीक घाघरा नदी पार की थी। बाद में यह मुगल शासक का हिस्सा बना। अकबर के 1908 की क्रांति, सिवान के निर्भीक और जुझारू लोगों ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी। 1920 में असहयोग आंदोलन के समय सिवान के ब्रजकिशोर प्रसाद ने पर्दा प्रथा के विरोध में आंदोलन चलाया। 1937 में 1938 के बीच हिंदी के प्रमुख विद्वान राहुल संकृत्यायन किसान आंदोलन की नींव सिवान में रखी। स्वतंत्रता की लड़ाई में यहाँ के मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, महेंद्र प्रसाद, रामदास पांडे, फुलेना प्रसाद जैसे महान सेनानियों ने समूचे देश में बिहार का नाम ऊंचा किया। सिवान जिले के कुछ सबसे प्रसिद्ध गांव में से एक अमलोरी गांव है। सिवान का नामकरण मध्यकाल के यहां के राजा शिवमान के नाम पर हुआ है। उनके पूर्वज बाबर के यहां आने तक शासन कर रहे थे। इसका एक अनुमंडल महाराजगंज है। इसका नाम इस क्षेत्र पर राज कर रहे महाराजा का घर या किला स्थित होने के चलते पड़ा। इसी जिला के एक सामंत अली बख्श के नाम पर इसे अलीगंज भी पुकारा जाता है। पर्यटक स्थल कुछ इस प्रकार हैं। महेंद्रनाथ मंदिर महेंदार सिवान प्रखंड में स्थित महेंद्रनाथ गांव में 52 बीघे के किनारे शिव एक विश्वकर्मा भगवान का मंदिर बना है। स्थानीय लोगों में इस पोखर की पवित्र मान्यता है। यहां शिवरात्रि एवं विश्वकर्मा पूजा में 17 दिसंबर को भारी भीड़ जुटती है। यह हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कार्तिक पूर्णिमा एवं मकर संक्रांति के दिन यहाँ मेले का आयोजन होता है। मैड़वा धाम मैड़वा प्रखंड में हरि बाबा का स्थान के नाम से प्रचलित झड़ही नदी के किनारे इस स्थान पर कार्तिक और चैत्र महीने में मेला लगता है। अमरपुर, दोनस्तूप, लकड़ी दरगाह, हसनपुरा, भीखा बांध, सोहगड़ा, पतार, ढोबिया, कुछ इस प्रकार के पर्यटक स्थल वहां स्थित हैं। तो आज के टीडी नॉलेज में आपने देखा सिवान के बारे में। कल हम फिर मिलेंगे एक नए शहर से जुड़ी जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहें टीडी न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा टीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।